अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवानी मिश्रा में। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्लास 9 का ईयरली पेपर 2021-2022 का इंग्लिश का पेपर है मेरे पास आज। तो यहाँ पास आप देख सकते हो इस पेपर का टाइम है 3 hours और यहाँ पास आपके मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं 80 marks और यहाँ पास कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पास आपका आता है पहला सेक्शन है। तो चलिए सेक्शन है कि कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पास सॉल्व, कुछ नहीं पूरे ही करेंगे। तो यहाँ पास हमारा पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर 1789 होगा। यहाँ पास इसका आंसर द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1789। यहाँ पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड कॉकपिट, तो इसका आंसर आपको यहाँ पास मिलेगा, द केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट। यहाँ पास आपका थर्ड क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, इसका आंसर होगा पेट्रोल। यहाँ पास इसका आंसर इट हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल। ठीक है, ना यहाँ पास आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर होगा एरोप्लेन। ना यहाँ पास आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वी आर लिविंग इन द, तो इसका आंसर होगा वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इसका आंसर आपको टॉप पे मिलेगा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ना यहाँ पास आते हैं हमारा सेकंड पेसेज, जो कि रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो चलिए इस पेसेज को रीड करते हैं, इसके आंसर देते हैं। तो यहाँ पास आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्जी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम, तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पास जब आप ये रीड करोगे, 1899 एंटर इन द सोरबोने ए फ्रांस यूनिवर्सिटी वेयर सी अर्न हर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, तो इसका आंसर आपको तब पता चलेगा इफ यूनिवर्सिटी इन सोरबोने, यहाँ पास है ना यूनिवर्सिटी इन सोरबोने। नाउ आता है इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि व्हाट वाज मार्जी मारियास फादर, व्हाट वाज मारिया फादर्स, सो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पास, हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पास प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स लिखा है, बस यहाँ पर लिखा है प्रोफेसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर। नहीं बस मैं थर्ड क्वेश्चन है, मारिया लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सोरबोने, तो इसका आंसर होगा सोर्ड इंटेलिजेंसी। नहीं यहाँ पास हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मारिया कोरिस डॉक्टरेट वॉज इन विच एकेडमी डिसिप्लिन, तो इसका आंसर होगा कैंसर स्टडीज। यहाँ पास आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्कवर, डिस्कवर का नाउन फॉर्म होगा यहाँ पर डिस्कवरी। ना यहाँ पास आता है आपका सेक्शन बी, राइटिंग का सेक्शन, जिसका हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट, तो यहाँ पास है आपका नोट मेकिंग 4 marks का, तो इसको मैं आपको अपने फोन स्क्रीन पे इसका नोट मेकिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पास मैं आ चुकी हूँ अपने फ़ोन स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पास टाइटल देख सकते हो, टाइटल है आपका बायोगैस प्लांट। और यहाँ पास आपका नोट्स देख लेते हैं, जो कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्राइमरीली कॉन्स्टेटिंग ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स सच एस एग्रीकल्चर वेस्ट मैन्योर म्यूनिसिपल वेस्ट प्लांट मटेरियल सेवेज ग्रीन वेस्ट और फूड वेस्ट, इट इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशंस विथ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स और मेथानोजेन्स इनसाइड एन एनारोबिक डाइजेस्टर्स बायोडाइजेस्टर्स और ए बायोरिएक्टर्स। बायोगैस इज प्राइमरली मीथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मेनी हैव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मॉइस्चर एंड सिलोसेंस। सो ये है आपका इसका नोट मेकिंग, आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज भी करके लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिखोगे तो आपको नोट मेकिंग के पूरे नंबर मिलेंगे।
ना अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर निशी कौरव स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो चलिए आपका प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू टू रिस्पेक्ट दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आई एम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हिज जॉब नेचर इज ट्रांसफरेबल एंड ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुरैना टू भोपाल, सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट देयर क्विकली एंड आई हैव टू टेक एडमिशन इन स्कूल देयर टू कंटिन्यू माई एजुकेशन। फॉर देट आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, देयर फॉर आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंट इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो देट आई कैन गेट एडमिशन इन एनी स्कूल इन भोपाल। आई विल बी forever grateful to you for this kindness, thanking you, your obediently Nishi Kaur, class 9th। So, कोई भी एप्लीकेशन लिखते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर जब कुछ चीजें दी गई हो, जैसे नेम दिया हो निशी कौर, तो आपको अपने एप्लीकेशन में ये मेंशन करना चाहिए रहता है, स्कूल का नेम दिया है एंड प्लेस दिया है, तो ये सारी चीजें आपको अपने एप्लीकेशन में मेंशन करना रहता है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। ना यहाँ पास आपका ओवर वाला लेटर है, यू आर औरव परिहार रेसिडिंग एट M32 नेहरू कॉलोनी देवास, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू RS 500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हम इस तरीके से लिखेंगे, औरव परिहार M32 नेहरू कॉलोनी देवास March 15, 2022, डेट डालते हैं, फिर लिखते हैं माई डियर फादर आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई एम क्विट वेल हेयर, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड मी RS 500 रुपीज मोर, आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स, माई एग्जामिनेशन आर्ट ड्रॉइंग नियर, आई एश्योर यू ऑफ एक्सीलेंट रिजल्ट्स, माई स्टडीज आर गोइंग वेल, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, योर इफिशियंटली आरव परी। ना यहाँ पास हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसे और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पास आप देख सकते हो कौन कौन से ऐसे दिए गए हैं, यहाँ पास है इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, माय हॉबी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पास मैं छोटा कर लेती हूँ जिससे आप स्क्रीन शॉट भी रख सको और देख भी सको। तो आप क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, 720p कर लीजिए एंड स्क्रीन शॉट आप रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए पूरा मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पास। ठीक है, ये माई हॉबी और ये फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये यहीं तक था आपका। ना यहाँ पास अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस पिक्चर को देख के हमें लिखना है कि हम कैसे फिट और हेल्दी रह सकते हैं 75 वर्ड्स में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ईट हेल्दी यहाँ पास है पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है ना, यहाँ पास थर्ड पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज यही आपका 75 वर्ड्स का है। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पास हमारा फिर आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है रेगुलर चेकअप। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये था आपका पूरा 175 वर्ड्स में हेल्थ के ऊपर पिक्चर राइटिंग। ना अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन, जिसका हमारा 7th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। सो यहाँ पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सन राइज इन द ईस्ट। सो यहाँ पास सन है तो इसलिए यहाँ पास आएगा द। सो ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन था। यहाँ पास आपका सेकंड क्वेश्चन है आई डोंट बाय मैंगो सम या एनी। तो यहाँ पास आएगा एनी, आई डोंट बाय एनी मैंगो। ना यहाँ पास आपका थर्ड क्वेश्चन है ही इज इंजीनियर। तो इंजीनियर आपका क्या है, वोवल, इसलिए यहाँ पास एन आएगा। ना यहाँ पास फोर्थ क्वेश्चन है वी टू वॉच द मूवी स्टरडे। तो यहाँ पास आएगा वी वेंट टू वॉच द मूवी स्टरडे। ना यहाँ पास हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। आएगा देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। ना यहाँ पास हमारा
सिक्स्थ क्वेश्चन है दे कम्प्लीटेड देयर वर्क, तो यहाँ पर दे है प्लूरल है इसलिए यहाँ पर सेव आएगा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क। ना यहाँ पास हमारा एट क्वेश्चन है डू स्टार्ट, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है रीअरेंज द जंपर्ड वर्ड इन टू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो जंपर्ड वर्ड है इन्हें हमें क्या करना है रीअरेंज करके सही फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिखा है योर पेन कैन गिव मी यू, सो इसका करेक्ट आंसर होगा कैन यू गिव मी योर पेन। ना यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वर्ड, सो इसका आंसर होगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ना यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है अंकित प्लेड होंगे चेंज इन टू प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, सो इसका आंसर होगा अंकित प्लेस होगी। ना यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इन टू नेगेटिव, सो इसका नेगेटिव हो जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ना यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दे वॉक्ड इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इन टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा दे वर वॉकिंग इन द डार्क। ना यहाँ पास इसका लास्ट क्वेश्चन है अजय इज इल ही हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, सो इसका आंसर हो जाएगा अजय इज इल ही हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे। ना यहाँ पास आते हैं हमारे आप सेक्शन सी लिटरेचर, जिसका हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो टॉमी को बुक कहाँ मिली थी, तो टॉमी को बुक उसके घर में मिली थी इन हिज हाउस। ना यहाँ पास हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ वाइंड इफ वी आर, तो अभी इसका आंसर हमें नहीं मिला है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। इसको मैं थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज स्विमिंग, तो केजिया की ग्रैंड मदर ने उसको एक क्लीन हैंकी दी थी, तो इसका आंसर होगा एक क्लीन हैंकी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चिल्ड्रन, तो इसके ऑथर का नेम है APJ अब्दुल कलाम। ना इसका हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हु इज द ऑथर, ये तो हमने कर लिया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रूआउट हर म्यूजिक, तो इसका आंसर होगा डेफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। ना यहाँ पास हमारा इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्लिस फॉर द पोइट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, कौन से वाला वी कैन मेक फ्रेंड विथ वाइंड इफ वी आर वाला और एक ये वाला, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ना अब हमारा टेंथ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये आता है हमारे दो या तीन नंबर में, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेसेज की फर्स्ट पे, सो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, सो इसका आंसर होगा 2.5 years। ना यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, सो इसका आंसर यहाँ पास है एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग बदर एंड ऑल्सो क्लासमेट कॉल्ड हिम बोरिंग बदर, बोरिंग मदर यस ब्रदर बोरिंग, सो यहाँ पास लिखे ब्रदर बोरिंग, बोरिंग मदर या ब्रदर बोरिंग दोनों ही एक किया, ठीक है ना। यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ, सो इसका आंसर यहाँ पास है ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, सो इसका आंसर है मैकेनिकल टॉयज। ना यहाँ पास हमारा इसका सेकेंड पेसेज है बी वाला रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है इसको हमें रीड करना है एंड इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर का रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपका। ना यहाँ पास सेकेंड क्वेश्चन द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रीज इज कोर्स, ना यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू द शेडो होवर, तो इसका आंसर होगा ऑन स्ट्रेरी स्पीयर्स, तो इसका आंसर आपको इस स्ट्रक्ट के ऊपर ही मिलेगा व्हेन द ह्यूमिड शेड होवर ओवर ऑल द स्ट्रेरी स्पीयर्स, ठीक है इसका आंसर होगा स्ट्रेरी स्पीयर्स। ठीक है अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो यहाँ पास मैं आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इसके आंसर हम आपको देंगे नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ये आपके 11th का, और यहाँ पास हम लाते हैं अपना नेक्स्ट पेज, ये आपका है 12th का, ठीक है 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं, 2 करना है, ये आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है ये 13th क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है, 14th क्वेश्चन आपके यहाँ पास गलत छप गया है, यहाँ पास भी ये भी 4 का है,
ठीक है, तो यहाँ पास आपने देखा पूरे 16 तक के आपके आंसर्स। तो एक बार आपको शुरू से दिखा दे सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए ये ईयरली पेपर, ठीक है, यहाँ पास ये दो पेसेस थे आपके, और फिर यहाँ पास आपके थे इसके आंसर। ये सेक्शन बी के पेसेस थे आपके, नोट मेकिंग था, एप्लीकेशन था, एसे था, पिक्चर राइटिंग था आपका, और फिर आपका क्या था, फिर आपका सेक्शन सी था ग्रामर का सेक्शन, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, डूएस डायरेक्ट थे। फिर सेक्शन सी था लिटरेचर, जिसमें आपके बुक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। एंड फिर आपके दो एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आए हैं पेपर में आपके, यहाँ पर देखिए दो एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आए हैं, फिर आपके बुक के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास आपके पूरे बुक के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।